हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 25 मई और आज दिल्ली में वोटिंग है और साथ ही में अदर स्टेट में भी आज वोटिंग की जाएगी। तो मैं भी अभी वोट देकर आ चुकी हूँ और आज मैं थोड़ा जल्दी डिनर रेडी कर रही हूँ जिससे कि मैं जा पाऊँ मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि कल हमें निकलना है बाहर जाने के लिए। तो मैं आज मेहंदी लगवा कर आऊँगी और आज दीदी भी घर आई हैं और साथ ही में आए हैं मामा जी। तो मैं सभी के लिए डिनर थोड़ा जल्दी रेडी करके जाऊँगी जिससे कि मैं मेहंदी भी टाइम से ही लगवाने जा पाऊँ, क्योंकि मेहंदी लगवाने में भी लगभग 2 घंटे तो मुझे लग ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट जाना पड़ेगा और मार्केट में जाकर मुझे लगवानी है मेहंदी। तो आप लोगों को मैं आगे व्लॉग में दिखवाऊंगी कि मैं मेहंदी कैसी लगवाने वाली हूँ और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को हमारी मेहंदी कैसी लगी है। तो गाइस, जल्दी से मैं डिनर रेडी करने के बाद पहुँच चुकी हूँ मेहंदी वाली शॉप पर और यहाँ पर मैं मेहंदी लगवाने भी लगी हूँ। और आप लोग देख सकते हो मेहंदी का जो डिज़ाइन है वो कितना सुंदर लग रहा है। और जैसे ही मेहंदी पूरी होगी तो आप लोग पूरी मेहंदी देखने के बाद भी बताइएगा आप लोगों को हमारी जो मेहंदी है वो कैसी लगी है। तो गाइज, मुझे ना मेहंदी लगवाने का बहुत मन था कि हम लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर मुझे मेहंदी लगवा कर जाना ही था। तो इसीलिए ध्रुव के पापा ने बोला ठीक है, तुम्हारा अगर मन है तो तुम मेहंदी भी लगवा ही लो। तो मैं मेहंदी लगवाने आ चुकी हूँ और लगभग मेरे एक हाथ की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और दूसरे हाथ की भी मेहंदी कंप्लीट होने ही वाली है। और आप लोग देख ही रहे हो कितना सुंदर डिज़ाइन लगाया है इन्होंने। मुझे नहीं लगा था कि इतना सुंदर डिज़ाइन लगाएंगी, लेकिन जब उन्होंने पूरी मेहंदी कंप्लीट की ना, वो बहुत ही सुंदर थी। और आप लोग भी देख ही पा रहे हो कितनी ज़्यादा सुंदर मेहंदी लगाई है। और इसका कलर कैसा आता है वो तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और अब मैं जाऊंगी घर और घर पहुंचकर सबको दिखाती हूँ मैं अपनी मेहंदी। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही था, मैं गई थी मेहंदी लगवाने के लिए क्योंकि कल हम लोगों को निकलना है बाहर घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग 4 से 5 दिनों के लिए जाने वाले हैं बाहर घूमने। और अभी बज चुके हैं रात के 12 और मैं अपनी मेहंदी को धो चुकी हूँ क्योंकि मुझे करनी है अपनी पैकिंग, क्योंकि अभी तक मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है क्योंकि आज दिन में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि दीदी भी घर आई थी, मामा जी भी घर आए थे, इन्हीं कुछ कामों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया था पैकिंग का। और आज मैं गई थी वोट डालने के लिए, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने भी अपना वोट दिया या नहीं। तो गाइज, मैंने वोट दिया, दीदी भी आई थी वोट देने के लिए ही और दीदी भी घर जा चुकी हैं। दीदी लगभग 9 बजे घर गई हैं, उसके बाद जो भी मेरे काम थे, डिनर वगैरह करना, ध्रुव के कुछ काम, तो मैंने वो सारे ही काम पूरे किए और अपनी मेहंदी को भी धो दिया। और मेहंदी का कलर अभी तक तो अच्छा नहीं आया है, बाकी मॉर्निंग में देखते हैं मेहंदी का कलर कैसा आता है। और अभी गाइज मुझे करनी है पैकिंग और पैकिंग में भी ना लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे लगेगा ही, क्योंकि ना पैकिंग बहुत बड़ा काम हो जाता है कहीं सफर के लिए करना, क्योंकि अगर हमें 4 से 5 दिनों के लिए कहीं जाना है तो पैकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्पेशली अगर बच्चा साथ हो तो पैकिंग ज़्यादा होती ही है। तो इसीलिए मुझे पैकिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। वैसे तो मैंने कपड़े ना पहले से ही पैक करके रखे हैं पन्नियों में प्रेस करके, लेकिन फिर भी मुझे मेकअप का सामान, ध्रुव की दवाइयाँ, अपनी दवाइयाँ और बाकी भी कुछ बहुत सारे सामान होते हैं वो सभी पैक करने हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को पैक करने में मुझे लगने वाला है 1 से 1.5 घंटा। तो गाइज, मैं सारी पैकिंग करने के बाद ही सोऊंगी क्योंकि कल हम लोगों को निकलना है बाहर घूमने के लिए। और गाइस, आप लोग ना ब्लॉग्स के साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए और चैनल के साथ आज नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आगे जो भी ब्लॉग्स आने वाले हैं बहुत अच्छे आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए गाइस, मैं कर लेती हूँ अपनी पैकिंग, फिर आप लोगों से फ्री होकर मिलती हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपना लगेज पैक और आप लोग देख सकते हो मैंने 2 बड़े बड़े सूटकेस निकाले हैं, जिसमें से एक सूटकेस के अंदर मैं पैक करूँगी ध्रुव के चाचू और ध्रुव का सामान, और दूसरे लगेज में मैं पैक करने वाली हूँ ध्रुव के पापा और अपना सामान। तो 2 सूटकेस मैंने इसीलिए निकाले हैं क्योंकि हमें 4 जनों का सामान पैक करना है 2 सूटकेस के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले से ही कुछ तैयारियाँ करके रखी हैं, जैसे कि कपड़ों को प्रेस करना और उनको अच्छे से पन्नियों में लगाना, जिससे कि हमें कोई कपड़ा ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ध्रुव के चाचू और ध्रुव का लगेज पैक हो चुका है, जिसमें ध्रुव की दवाइयां हैं, ध्रुव का पाउडर है, साबुन है, वो सारी ही चीजें मैंने ध्रुव के चाचू के साथ। और अब मैं दूसरे सूटकेस में पैक करूंगी अपना और ध्रुव के पापा का सामान। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सारा ही सामान अच्छे से रखने की, जिससे कि हमें कोई भी सामान ढूंढना ना पड़े और जो भी सामान हमें चाहिए हो वो सारा ही सामान हमें मिल पाए। और यहाँ पर ना मैंने
तीन ना ऑनलाइन पैकेट मंगाए थे जो कि है बहुत ही अच्छे, जिसमें मैंने एक में रखा है अपने मेकअप का सामान और दूसरे में रखा है ध्रुव की दवाइयाँ और तीसरे में रखी हैं हम सबकी मेडिसिन जो कि हमें सफ़र में चाहिए होंगी। और यहाँ पर मेरे जो लगेज हैं वो पैक हो चुके हैं। तो गाइज़ बैग वगैरह हमारे पैक हो चुके हैं और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि गाइज़ बैग वगैरह पैक करते करते ना मुझे बहुत टाइम लग गया और लगभग 1:30 बज चुका है और ध्रुव भी सो चुका है और ध्रुव के पापा भी सो चुके हैं और मेरे सर में हो रहा था बहुत तेज़ दर्द, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और चाय बनाने के बाद और चाय पीने के बाद मैं करूँगी रेस्ट। और आप लोगों को ना गाइज़ नेक्स्ट जो हमारे व्लॉग्स देखने के लिए मिलने वाले हैं बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, तो अगर आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि जो भी हमारे नए नए ब्लॉग्स आएँ वो आप लोगों तक पहुँचते रहे। तो गाइज जो भी मैंने लगेज पैक किया है ना, लगभग मैंने दो लगेज पैक किए हैं, जिसमें से एक लगेज पैक किया था ध्रुव का और उसके चाचू का और दूसरा लगेज मैंने पैक किया था अपना और ध्रुव के पापा का। और हमारे साथ साथ कौन जाने वाला है इस सफ़र पर वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलने वाला है और कहाँ हम लोग बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं वो भी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ प्लीज़ चैनल के साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा, जिससे कि जो भी हमारे नए नए ब्लॉग्स आएँ वो आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहें। और अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज यहाँ पर मेरी चाय लगभग रेडी हो चुकी है और मैं पीती हूँ अपनी चाय और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज आप लोग हमारे चैनल के साथ ज़रूर कंटिन्यू बने रहिए और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।